हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की अशासकीय शिक्षकों की भर्ती एलटीए और प्रवक्ता पदों पर। 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इन पर जो नई भर्ती आने वाली हैं उन पर चयन आयोग के माध्यम से करने की बात और साथ में भर्ती पर जो रोक लगी है वो हटने को लेकर बात करी गई है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। चलिए जानते हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, इसमें पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पर रोक से रोष। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने अशासकीय विद्यालयों में एलटीए प्रवक्ता की पोस्ट रुकी हुई है। लगभग लगभग 850 करीब भर्ती आने वाली थी, इनको रोक के लेकर बीएड कैंडिडेट ने अब आवाज़ उठाई है। जल्द ही यहाँ पर जो है आगे बढ़ाने की बात करी है। इस संबंध में जो संघ कार्यालय है इनमें बैठक करने के बाद प्रवक्ता अरविंद दुटपुड़ी करके है, इनका कहना है कि प्रदेश सरकार जो है बेरोजगारों से जो है अशासकीय विद्यालय में नियुक्ति के लिए अलग अलग आयोग बनाने का जो वायदे किया था और आयोग के माध्यम से भाई भतीजावाद के जो है इतर पारदर्शी रूप से भेज सकते भर्ती की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आरोप लगाए गए हैं आयोग पर और कहा है कि आयोग अपने भाई भतीजावाद भर्ती करेंगे, ऐसा वर्ग है जो कि आज तक जो है धरातल पर नहीं उतर पाई है बताया गया है। और यह बेरोजगारों के साथ जो है छलावा है। मांग की है कि अशासकीय विद्यालय में नियुक्ति के लिए जो है अविलंब हो आयोग का गठन किया जाना चाहिए बताया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाए। तो आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात करी है, जो कि 800 से ज़्यादा पद यहाँ पर जो भरे जाने थे वैसे 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं। एक्चुअल में इनकी मांग चल रही बीएड संघ के द्वारा, अब यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। साथ में अगर बात करें पौड़ी की, जो यहाँ पर शासकीय विद्यालय है जहाँ पर एसआईटी की जांच होनी अब संभव हो चुकी है, 15 दिन में जो है कार्रवाई का आश्वासन मिला है जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर मेन आपका जो है हरिद्वार और यहाँ पौड़ी में अनियमितताएं मिली थी और इस वजह से यहाँ पर जो है एसआईटी जांच करने वाले हैं अशासकीय विद्यालयों में अनियमितताओं को लेकर और उसमें जो है रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। साथ में यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अब आयोग के माध्यम से अगर भर्ती होती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाई भतीजावाद अब तक यहाँ पर जो है चला हुआ है, जो कि यहाँ पर इससे पारदर्शिता आएगी आयोग गठन को लेकर। आयोग के गठन को लेकर सरकार ने कई बार बात तो करी है लेकिन वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है और इस चीज़ को लेकर बीएड बेरोजगारों ने यहाँ पर मांग उठा रखी है अशासकीय भर्ती भी जो है आयोग के माध्यम से बिल्कुल हो ना। मेरी इच्छा भी है आयोग के माध्यम से हो, सीधी भर्ती हो परीक्षा के माध्यम से, जैसे SSSC करता है सीधी सरकारी भर्तियाँ, वैसे अशासकीय भर्तियाँ भी करें और सभी को समान मौका मिले, कोई वंचित ना रहे, ये सबसे बेटर है और जल्द ही होना भी चाहिए। अगर मांग अगर इसी तरह बेरोजगारी की तरह अगर करते रहे ना, जल्द ही आयोग में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार अनियमितताएँ मिल रही, भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रोक लग चुकी है, तो अनियमितताओं की वजह से ही रोक लग पा रही है। तो इस वजह से देखते हैं, अब SIT की जाँच भी करवानी शुरू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है भाई आयोग की बहुत ही ज़रूरत है। अगर जल्द से जल्द आयोग बनती है तो आपकी भर्तियां आगे जल्दी जल्दी हो जाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो ये भर्तियां रुकते रहेंगी, चलते रहेंगी, नियुक्ति में धांधली होती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे, सालों साल तक ये चलने वाला है। बाकी तो अगर सरकार करे तो जल्दी करें और हम भी जो बेरोजगार बेड वाले हैं उनके साथ हैं, जल्द से जल्द करने की गुजारिश करेंगे सरकार से और शिक्षा मंत्री से और जल्दी इन पर इम्प्लीमेंट होना बहुत आवश्यक है। अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करें ताकि जो है मंत्री तक जहां तक भी पहुंचाना चाहते हो इस वीडियो को जरूर पहुंचे, ताकि औरों की भी नींद खुले इस भर्ती के रिगार्डिंग जो पारदर्शी तरीके से भर्तियां आयोग के माध्यम से चाहते हैं।